दोस्तों, स्वागत है आप सभी के YouTube टॉक्स के एक और फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है आकाश और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप कॉपीराइट स्ट्राइक को कैसे रिमूव कर सकते हो। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉपीराइट स्ट्राइक होता क्या है और आप उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हो। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो से पहले उस वीडियो को जरूर देख लेना, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कॉपीराइट स्ट्राइक को कैसे रिमूव करते हैं, आपको 100% दिखाने वाला हूं, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। वीडियो को स्किप मत करना, अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको पूरा प्रोसेस पता नहीं चलेगा। तो 2 मिनट में कॉपीराइट स्ट्राइक हटा के दिखाने वाला हूं, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को पूरा देखना। तो फिर चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कॉपीराइट स्ट्राइक को हम 3 तरीके से रिमूव कर सकते हैं, एक कॉन्टैक्ट क्लेम, दूसरा सबमिट काउंटर नोटिस और तीसरा है कॉपीराइट स्कूल को अटेंड करके। तो ये तीनों मेथड आपको दिखाऊंगा और एक मेथड में आपको स्ट्राइक हटाना सिखाऊंगा। तो चलिए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, अब कॉन्टैक्ट क्लेम पे जाके हम उनके ईमेल आईडी से उनको मेल कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कॉम्प्रोमाइज वगैरह कर सकते हैं। नहीं तो आप कॉन्टैक्ट क्लेम के साथ बात करके उनको स्ट्राइक वापस करने के लिए भी बोल सकते हो। अगर उन्होंने स्ट्राइक अपने तरफ से हटाया तो 90 डेज के अंदर ही आपका स्ट्राइक हट जाएगा। अब दूसरा मेथड है सबमिट काउंटर नोटिफिकेशन। अगर हम सबमिट काउंटर नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो एक लीगल प्रोसेस पे पूरा काम चलेगा, और अगर मेरा वीडियो सही था और उसमें मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है तो मुझे मेरा वीडियो वापस कर दिया जाएगा और स्ट्राइक भी हट जाएगा। बट मेरा काउंटर नोटिफिकेशन सही होना चाहिए, इसमें वैलिड रीजन भी होना चाहिए। अगर आपका रीजन वैलिड नहीं होगा, अगर आपने कुछ गलत किया है, तो सबमिट काउंटर नोटिफिकेशन आपके वीडियो वापस नहीं आएंगे, चैनल से स्ट्राइक नहीं हटेगा। लेकिन हम इस वीडियो में कॉपीराइट स्कूल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि स्ट्राइक के ऊपर लिखा है कंप्लीट कॉपीराइट स्कूल फॉर दिस स्ट्राइक टू एक्सपायर। ओके, तो हम यहाँ पे कॉपीराइट स्कूल को अटेंड करेंगे ताकि हमारा स्ट्राइक हट जाए। अब हमारे सामने एक नया पेज खुल जाता है, जैसे मैं कॉपीराइट स्कूल के ऊपर क्लिक करता हूँ हमारे सामने एक नया पेज खुल जाता है और यहाँ पे लिखा है इस वीडियो को कुछ टाइम के लिए वॉच करो, ये वीडियो कॉपीराइट स्कूल के बारे में है, और उसके बाद इस 4 क्वेश्चन का आंसर दो। यानी कि मुझे 4 क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे, मुझे एग्जाम देना पड़ेगा, 4 क्वेश्चन अटेंड करना है, 4 क्वेश्चन अगर मेरे सही हो गए तो मेरा कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाएगा। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, सिंपली क्वेश्चन के बारे में बोल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्या कॉपीराइट प्रोटेक्शन सिर्फ मेजर फिल्म्स, टेलीविजन और रिकॉर्डिंग कॉरपोरेशन वालों को ही दिया जाता है जो ज़्यादा पैसे पे करते हैं प्रिविलेज में? तो हमें ट्रू और फॉल्स में से एक सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या कॉपीराइट कंटेंट को पूरा इस्तेमाल कर सकते हो उस ओनर के परमिशन के बिना और उसको कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट कंसिडर किया जाएगा? इसमें भी आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या कोई भी कॉपीराइट क्लेम इशू कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ ओनर, यानी कि मालिक के बिना भी कोई कॉपीराइट स्ट्राइक इशू कर सकता है क्या कॉपीराइट क्लेम? क्वेश्चन नंबर 4, अगर वो कंटेंट पहले से भी एक बार अलाउड किया जाता है, कंटेंट ओनर क्या उसको यूट्यूब से रिमूव कर सकते हैं? ट्रू और फॉल्स। तो 4 क्वेश्चन है, हमें ट्रू और फॉल्स सिलेक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन हम सिलेक्ट करते हैं फॉल्स, यानी कि क्या कॉपीराइट प्रोटेक्शन सिर्फ मेजर फिल्म, टेलीविजन और रिकॉर्डिंग कॉरपोरेशन वालों को ही दिया जाता है जो ज़्यादा पैसे पे करते हो प्रिविलेज में? नहीं, कॉपीराइट प्रोटेक्शन सबके लिए है और सब इसको यूज कर सकते हैं, सारे यूट्यूबर्स। तो इसको मैं फॉल्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हम सिलेक्ट करेंगे ट्रू, क्या कॉपीराइट कंटेंट को पूरा इस्तेमाल कर सकते हो उस ओनर के परमिशन के बिना और उसको कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट कंसिडर किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3, क्या कोई भी कॉपीराइट क्लेम इशू कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ ओनर? तो इसको ओके। और क्वेश्चन नंबर 4, अगर वो कंटेंट पहले से भी यूट्यूब पे अलाउ होगा तो क्या कंटेंट ओनर क्या उसको यूट्यूब से रिमूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो 4 क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिया, अब उसके रिजल्ट्स देखते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट्स मैंने पहला वाला फॉल्स सिलेक्ट किया था, ओके करेक्ट है। दूसरा वाला मैंने सिलेक्ट किया था ट्रू, जो कि नहीं है, इनकरेक्ट हो गया, ये फॉल्स होना चाहिए था। और तीसरा मेरा ट्रू है, चौथा मैंने सिलेक्ट किया था फॉल्स, वो भी करेक्ट है। तो 4 क्वेश्चन में से मैंने 3 कंप्लीट कर दिया और 1 क्वेश्चन मेरा गलत निकल गया। तो आई होप, तो मेरे रिजल्ट्स आ चुके हैं, मैंने 100% क्लैरिफाई नहीं किया है, मैंने 3 क्वेश्चन में कंप्लीट किए हैं, फिर भी YouTube से मेरा स्ट्राइक हट गया। लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली कॉम्प्लीटेड कॉपीराइट स्कूल, यू मे रिफर बैक टू दिस एट एनी टाइम इन योर अकाउंट। ओके, तो मैं अकाउंट में वापस आ सकता हूँ, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा मैं YouTube पे वापस आ जाऊंगा, YouTube स्टूडियो पे, और YouTube स्टूडियो पे वापस आते ही यहाँ पे लिख रहा है कॉपीराइट स्ट्राइक, देयर आर नो कॉपीराइट स्ट्राइक ऑन योर चैनल, यानी कि मेरे चैनल से कॉपीराइट स्ट्राइक हट चुका है। तो इस डैशबोर्ड को मैं क्लोज कर दूंगा और
स्ट्राइक हट चुका है, डैशबोर्ड पे जो स्ट्राइक आ रहा था स्ट्राइक हट चुका। अभी मैं सिंपली कॉपीराइट पे जाऊंगा और वीडियो लिस्ट पे जाके देखूंगा मेरा स्ट्राइक है या नहीं। जी हाँ, यहाँ पे भी नीट एंड क्लीन दिखा रहा है, तो स्ट्राइक मेरे चैनल से हट चुका है। तो ओके, स्ट्राइक हट चुका है। अभी कॉपीराइट क्लेम, जिस वीडियो मेरा रिमूव हो गया था, जिस वीडियो स्ट्राइक लगा था, उस वीडियो को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूंगा, सिलेक्ट करके यहाँ पे पूरा डिलीट परमानेंट का ऑप्शन आ रहा है और उसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो मेरा चैनल अभी पूरा नीट एंड क्लीन है, यहाँ से कॉपीराइट स्ट्राइक हट चुका है, अब मेरे चैनल में कोई भी स्ट्राइक नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मैंने 3 से 5 मिनट के अंदर अपने चैनल से स्ट्राइक हटा दिए, कॉपीराइट स्कूल का अटेंड किया और अपने चैनल से स्ट्राइक को रिमूव कर दिया। तो आपका अगर कॉपीराइट स्कूल के तरफ हो सकता है तो आप भी ऐसे स्ट्राइक हटा सकते हो, नहीं तो अदर मेथड भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कॉन्टैक्ट क्लेम, सबमिट काउंटर, उस पर भी आप ट्राई कर सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करो, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल में आती रहेगी। और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलता हूं अगले वीडियो में एक जबरदस्त कॉन्टेंट के साथ। धन्यवाद। We'll be right back.